तो है भैया, गजब हो गया है भैया, करण को सब कुछ पता लग गया है। करण इस वक्त कहाँ है? घर पे है भैया। घर पे? चलो भाभी। करण बेटा। करण बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये मालूम होना ही था, कल या आज। सो आज ही हो गया। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए बेटा। मत भूलो कि तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जिसने अकेले सारी दुनिया का मुकाबला करके तुम्हें इतना बड़ा किया है बेटा। और तुम यूं घबरा रहे हो। डॉक्टर साहब, अभी जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, क्या ये सच है? हाँ, सच है। क्या ये सच है कि मेरे पिताजी जिंदा हैं? हाँ। क्या ये सच है कि मेरे पिताजी एक खूनी हैं? क्या ये सच है कि पिछले 15 बरस से मेरे पिताजी हैदराबाद की जेल में काले पानी की सजा भुगत रहे हैं? तो आज तक आपने ये राज मुझसे छुपा के क्यों रखा है? आज तक मुझे क्यों समझाया गया है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं और मैं एक यतीम हूं, एक अनाथ हूं? इसलिए करण कि तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी कि दुनिया तुम्हें खूनी के बेटे के नाम से पुकारे। जरा सोचो तो बेटा, इस बिचारी ने किन किन मुश्किलों का सामना करके तुमको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। तुम्हें हमेशा आने वाली कल का सोचना चाहिए, गुजरे हुए जमाने का नहीं। तुम आखिरी बात पिताजी से कब मिली थी माँ? कोर्ट में, जब उन्हें सजा हुई थी। 15 बरस गुजर गए और तुमने एक बार भी पिताजी से मिलने की कोशिश नहीं की माँ। मैं उस आदमी को क्यों मिलती जिसने मुझे ठुकरा के गाने वाले को अपनाया, मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए घुन लगा दिया और उस गाने वाले का खून किया, मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। करण बेटा, करण बेटा, रुक जाओ। भाभी, भैया भैया, इसे रोकिए भैया। अब ये नहीं रोकेगा भाभी, इसे जाने दो। बाप का खून बेटे को पुकार रहा है। फिर कहता हूँ कि मेरे अख्तियार से बाहर की बात है। जब तक आप कैदी से मिलने का इजाजतनामा ना ले आए, मैं आपको शंकरलाल से नहीं मिलवा सकता। लेकिन आप तो जानते हैं कि इजाजतनामा लेने में मुझे बहुत दिन लग जाएंगे। मैं यहाँ परदेसी हूँ, मैं आज ही मुंबई से आया हूँ। मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन आपको मेरी पोजीशन समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। बगैर इजाजतनामे के मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब भी नहीं अगर मैं आपको बता दूं कि शंकरलाल जी मेरे पिता हैं। ये मुझे मालूम नहीं था जी, और मुझे भी चंद ही रोज पहले मालूम हुआ है। मैं अभी तक यही समझता था कि मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, लेकिन अब जबकि मुझे इस बात का पता चल गया है कि वो मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, तो मैं उनसे मिले बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे एक नजर ही उन्हें देख लेने दीजिए। आमिर, अभी सब कैदी अपने अपने कमरे में जाने वाले हैं, एक मिनट के लिए आप मिल सकते हैं। जी।
जी मैं अपने पिताजी को पहचानता नहीं। आई सी। ठहरो। नंबर 27 आगे आओ। पिताजी मैं करण हूं, आपका बेटा करण। मैं करण हूं पिताजी, मैं करण हूं, करण मैं आपका बेटा हूं। मिस्टर शंकर, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने को आया, तुम बात तक नहीं करता। हाँ? मेरा कोई बेटा नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं। बुढ़ा जल्दी चलो। Well, unfit. Well, gentlemen, वो तुम्हारा बाप है? तुम रोता? It's my strong man रोता? देखो हम बर्मीज क्रिश्चियन, 5 बरस से जेल में मरता फिर मैं नहीं रोता। Hey, don't worry, हम ब्लडी फिक्स करता, 2 दिन के अंदर तुम्हारे बाप से तुमको मिला देगा। You do come. Thank you very much. What thank you? Hey, Samson, चलो। हल्ला मत बोलो, 3 दिन बाकी है। अब चलो चलो। फरमाइए साहब। यहाँ रहने के लिए एक कमरे का बंदोबस्त हो सकता है? एक अजी साहब 10 कमरों का बंदोबस्त। कोई अलग कमरा नहीं मिल सकता है। हाँ, एक कमरे में एक पलंग मिल सकता है। कब तक ठहरेंगे आप? कह नहीं सकता, कितने रोज लग जाए। हाँ कोई बात नहीं साहब, जब तक आपका जीचा है आप रहिए, यहाँ कोई बात की तकलीफ नहीं होगी आपको। अच्छा, आप अपना यहाँ नाम और एड्रेस लिख दीजिए। बदरू जी, आपका सामान उठाकर कमरा नंबर 13 में रखाओ। मधुर साहब के कमरे में? अरे सामान तो कोई है नहीं साहब, आपने कोई सामान नहीं लाया है? सामान कुछ नहीं। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको उठा के ले जाऊं। आइए ठहरिए करण बाबू, बगैर पेश के लिए मैं अपने होटल में जगह नहीं देती। आप 20 रुपए डिपॉजिट करा लीजिए। जी आइए, रसीद बाद में मिल जाएगी। ये देखिए, ये है आपका कमरा, काफी हवादार है। और ये है आपके साथी। ए, अरे कहाँ गए? मधोश मिया, धरत चंद व फकीर चंद, कहाँ गए ये सब लोग? शायद किसी काम पे गए होंगे। क्या कहूँ, काम? अजी साहब, काम इनसे और ये काम से कोसों दूर रहते हैं। हम दौलत चंद, चची गई? चची तो गई, मगर बदरू किसी और को ही लेकर आ गया है। कोई चची का सगे वाला है क्या? जी नहीं, आपका नया रूममेट है। आप भी तशरीफ लाइए, आप भी तशरीफ लाइए, जल्दी आइए जल्दी आइए। ये है साहब आपके रूम में, और ये आपके नए रूम में। मिलिए मिलिए। आधा बर्थडे मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे इस दिखावे के प्यार की जरूरत नहीं, जो कहने आए हो जल्दी कहो, मुझे जाना। पिताजी मेरा प्यार दिखावे का नहीं, आपका गुस्सा दिखावे का है। मैं जानता हूँ आप मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता, मेरा तुम्हारा नाता क्या है? आखिर तुमने मेरे लिए किया क्या है? तुम मेरे होते कौन हो? मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे तो सिर्फ यही बताया गया था कि आप, ईश्वर न करे आप इस दुनिया से उठ चुके हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने ये तुमसे कहा होगा, वो जानती थी कि मैं इस जेल में हूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। अब उसने तुमको, मेरे अपने बेटे को मुझसे नहीं मिलने दिया और मुझे जीते जी खत्म कर दिया। मुझे उस औरत के ख्याल से भी नफरत है। ऐसा ना कहिए,
उन्होंने सिर्फ आपके खानदान को बदनामी से बचाने के लिए ये राज मुझसे छुपा रखा था। वो नहीं चाहती थी कि लोग आपके बेटे को खूनी का बेटा कहकर पुकारे। मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं। वो खून मैंने नहीं किया। आपने माला का खून नहीं किया था पिताजी? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरा विश्वास नहीं किया। मेरे अपने दोस्त डॉक्टर कपूर ने, अदालत ने, ज्यूरी ने, वकील ने, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। और मैं जेल की चार दीवारी में पड़ा सो रहा हूं। तो माला का खून किसने किया था ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया। मैं बिल्कुल बेखता हूं, पर इसे कोई नहीं मानता था सिवाय रामदास के, और उसकी गवाही भी अदालत ने कबूल नहीं की। रामदास? कौन रामदास? रामदास वो बनिया था जिसकी दुकान माला के कोठे के नीचे थी। वो जानता था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अब न जाने वो कहां होगा। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर रामदास जिंदा है तो वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और उसकी मदद से आपकी बेगुनाही साबित करके छोड़ूंगा, ताकि आपको इस जेल की नामुराद जिंदगी से जल्द निजात दिला सकूं। मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूं, आज तक मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कितने जवान हो गए हो, कितने खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें कितना कितना याद किया है कैद की लंबी सुनसान रातों में। तुम्हें गले लगा कितना तरसा। शंकरलाल, चलो टाइम हो गया। कर दिया, फरमाइए। यहां एक रामदास साहब रहा करते थे आज से कोई 15 साल पहले, क्या वो जिंदा है? देखिए चलती है नारी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप रामदास हैं और जिंदा हैं। कहिए जी। बात यह है कि 15 साल पहले यहां एक माला नाम की नाचने वाली का खून हुआ था। हुआ था तो मुझे पता चला है कि आपने उस मुकदमे में गवाही दी थी। दी थी तो मैं आपसे उस मुकदमे के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सलाम वालेकुम रामदास सर। अरे अनवर, क्या जी हजरत, बहुत दिनों बाद आए। जी हाँ, जरा ससुराल गया था। सब खैरियत है जी आपकी दुआ से। एक लिप्टन चाय का डब्बा दीजिए। अभी लो, अभी लो। आज तो मैं आपसे उस मुकदमे के बारे में। कमाल के आदमी आप साहब, जाने कहां से अचानक बुलबुले की तरह उभर आए और आती। चलो लादा रामदास, उठाओ खुरपा, एक 15 साल पुरानी कब्र खोदनी है। नमस्ते, ये दुकानदारी का वक्त है। सुनो जी हजरत, रात को जब मैं दुकान पर आ चुकूं तब आइएगा, करीब 8 बजे। जी आपकी बहुत मेहरबानी। ठीक है ठीक है। हाँ, खाना घर से खा के आइएगा। अच्छा जी, कल आप फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इतला कर दूंगा। ओके। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, देखिए आपका इश्तेहार परसों छप जाएगा, इसलिए आप हमसे परसों मिलिए। अच्छा, आधा वर्ष। आधा वर्ष। हाँ जी साहब, फरमाइए। मुझे आपके अखबार का पुराना फाइल देखना है, आज से 15 साल पहले का। 15 साल पहले का जी। तो आप मिस आशा से मिली, वो बैठी हुई है। जी शुक्रिया। वेरी वेलकम। ये आपने गलत समझा है कि पहला आदमी चांद पर उतर गया है। उस आर्टिकल में जो आपने हमारे पिछले एडिशन में पढ़ा है, हमने ये फर्ज करने की कोशिश की है कि ऐसा हो गया। नहीं नहीं,
अभी तक रूसियों ने स्पुटनिक में किसी आदमी को बिठाकर नहीं भेजा। जी आप भी अजीब हैं, ये अभी से कैसे बताया जा सकता है कि वो दिन कब आएगा? माफ कीजिएगा, डेक्कन टाइम्स। जी जी नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई एजेंसी नहीं जो चांद पर आपको हनीमून मनाने भेज सके। इसके लिए आपको अपनी शादी कई साल पीछे डालनी पड़ेगी, समझ गए आप? आशा जी, मुझे एडिटोरियल मैंने तुम्हें दिया था वो छप नहीं गया? वो तो मैंने फेंक दिया। वैसे करो, उसको रुकवा दो और उसकी जगह इसको दी। ओके। और सुनो, मैं अब जा रहा हूँ, तुम कांग्रेस के दफ्तर में फोन करके पूछ लेना कि कल पंडित जी का प्लेन किस वक्त जा रहा है। अच्छा, ओके, बाय बाय। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे खूबसूरत फाइल चाहिए। जी मेरा मतलब, मुझे आपके अखबार का एक पुराना फाइल चाहिए। बैठिए। जी कोई बात नहीं। कितने पुराना? जी आज से 15 साल पहले का। जी असलम, आपको पुराने फाइल देखने जरा डेस्क तक ले जाओ। जी बहुत शुक्रिया। चलिए सर। वो साहब जो पुरानी फाइलें देख रहे हैं, उन्हें एक प्याली चाय दे। अच्छा जी।
आ गए जी सर, तो उधर से आओ ना, तो दरवाजा है ना जी, आओ जी सर अंदर। क्यों जी हजरत, एक बात पूछें जी, आप कौन हैं और आपको इस मुकदमे से इतनी दिलचस्पी क्यों है? जी इस खून के सिलसिले में जिन्हें सजा हुई थी वो मेरे पिताजी हैं और इसका मुझे हाल ही में पता चला है। ओ, तो तुम सारी बात जानना चाहते हो? जी हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो सुनो, 15 साल पहले उस रात को मैं यहीं बैठा हुआ रोजनामचे की रकम बही पर चढ़ा रहा था। ऊपर रंडियों के कोठों से नाचने गाने की आवाजें आ रही थी कि अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। कर देखता हूँ कि अंदर माला की लाश के पास तुम्हारे पिता खड़े हैं। न जाने क्या सोच कर उठ चुके और खून से भरा हुआ छुरा जमीन से उठा लिया। ये बात अच्छी तरह समझ लो, वो छुरा उन्होंने मेरे पहुंचने के बाद जमीन से उठाया था। खैर, फिर थोड़ी देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर मेहता ने लाश का मुआयना किया और उसे अस्पताल भिजवा दिया। जब बयानात लिए गए तो किशोरी ने जबान से तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे पिताजी की तरफ इशारा कर दिया, मतलब के खून यही है। जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो देखा कि आदमी लाश के पास खड़ा हुआ है, फिर जाने क्या सोच के झुका और छुरा उठा लिया, पर मैंने इतना ही देखा। जी इसकी नजर कुछ कमजोर है, चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता। किशोरी उसके बाद मकान की तलाशी ली गई। इस तलाशी में वो खत मिले जिनसे तुम्हारे पिता और माला के दरमियान ताल्लुकात साबित होते थे। आप कहाँ रहते हैं? दीवान बिल्डिंग, हजरतगंज, हैदराबाद। आप कल थाने आ जाइएगा। जी हजरत। और आप? जी मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। आपका नाम? जुमन। ये मैंने साथ थिताऊंगा। थाने में हम तीनों की गवाही ली गई। मैंने वही कहा जो आंखों से देखा था, यानी तुम्हारे पिता लाश के पास खड़े जरूर थे लेकिन छुरा उनके हाथ में नहीं था। छुरा उन्होंने उस वक्त उठाया है जब मैं वहां पहुंच चुका था। यही बात गीता की सौगंध खाकर मैंने कचहरी में कह ली। और बाकी के गवाह वो जुम्मन और किशोरी? उन्होंने दोनों जगह यही हल्फिया बयान दिया कि रामदास बनिया है तो भला आदमी लेकिन उसकी नजर बहुत कमजोर है और उस वक्त वो चश्मा नहीं पहने हुए था लिहाजा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बात पर सरकारी वकील ने मेरी गवाही को रद्द कर दिया लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इन दोनों ने झूठी गवाही दी थी और मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर मेहता भी ये बात जानते थे। भगवान जाने उन्होंने ये बात क्यों छुपाई। इंस्पेक्टर मेहता से मैं किसी तरह मिल सकता हूँ? कई बरस हो गए उन्हें देखे हुए, भगवान जाने वो जिंदा भी है या नहीं। आ, क्या शेर बना है सुनिए। इरशाद हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए।
वाह 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 मदहोश मियां, क्या जिंदगी को सागर में उतारा है। तुम तो वाकई शायरों के शायर हो। जियो जियो। आदाब। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। मुझे हैदराबाद में कुछ और दिखने चाहेंगे। तुम्हारा बेटा। दुश्मन गए के दोस्त तुम्हारे चले। भाई साहब ये शायरी छोड़िए, चलिए खाने के लिए, खाना तैयार है। अम्मा बदरू मियाँ, चांद देखे बिना रोजा कैसे खोल ले। अभी 5 मिनट की देर है, चांद निकलने ही वाला है। हाँ साहब हाँ, तो चांद आप रूम में देखेंगे, बाहर तशरीफ लाइए और चांद देखिए। चलिए आइए। चलो फिर चांद के पास ही चलते हैं। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये क्या हो रहा है। जब अच्छी तरह जानते हो तो पूछते क्यों हो? बजरूमिया, जब तक हम उसका रुख रोशन न देख ले हमें शेर नहीं सूझेगा। मदहोश मियाँ, अगर उसकी चाची ने ये हरकत देख ली तो आपको इतने जूते मारेंगी कि आप होश में आ जाएंगे। चलिए खाना ठंडा हो रहा है। हम तो चलते फिरते क्या वो देखेंगे। करण बाबू, ये सब ठीक है ना? जी। कोई तकलीफ तो नहीं है? जी कोई तकलीफ नहीं, शुक्रिया। और तुम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है? जी नहीं। तो फिर खाने क्यों नहीं? वो आशा दीदी को आने दीजिए, साथ ही खा लेंगे। आप भी खाएंगे? लीजिए ना। शुक्रिया। आज सुबह डेक्कन टाइम्स के ऑफिस में आप आए थे ना? जी। आप ही थे ना? माफ कीजिए, मैं आने से पहले आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सका। कोई बात नहीं। अम्मा दौलत चंद, ये कंकर कहाँ से आया? खाने में? मेरे खाने में भी आ रहा है। ये कहाँ से कंकर चले आ रहे हैं? नहीं चाची कुछ नहीं, आपस की बात थी, खाना बहुत मजेदार है। अच्छा खाओ खाओ खाओ। मुझे नहीं मालूम था आप हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। आपका गेस्ट हाउस? जी हाँ, आप ही इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन चलाती चची है। बीवी जी, इनका नाम करण है, करण बंबई से आए हैं, ये भी जर्नलिस्ट है। आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी। फिर आपने सुबह बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। किस सिलसिले में आए हुए हैं आप यहाँ? जी आप तो जानती हैं कि अखबार वाले अपना राज बताया नहीं करते। कोई बात नहीं। आप एक इंस्पेक्टर मेहता का पता बता सकते हैं? आपको मालूम है इंस्पेक्टर मेहता कहाँ रहते हैं? सुनो भाई, इंस्पेक्टर मेहता का मकान कहाँ? सानेर। ये है।
जी मुझे इंस्पेक्टर मेहता से मिलना है। आइए अंदर आइए। आप ही इंस्पेक्टर मेहता है? किसी वक्त का आप बैठिए। जी मेरा नाम करण खाना करण मेहरा है। यार मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? मैं एक बेकार नाकामयाब बुज़दिल, मैं किसी क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन आप पुलिस इंस्पेक्टर? 15 बरस पहले मैं इंस्पेक्टर था, अब नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त ही में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। ये आपको शायद याद होगा कि आज से 15 साल पहले माला नाम के एक तवायफ का खून हो गया था। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। जिन्हें उस खून के इल्जाम में काले पानी की सजा हुई थी वो मेरे पिताजी हैं। तुम शंकरलाल के बेटे हो? जी। अब मुझे पूरे यकीन है कि मेरे पिताजी ने खून नहीं किया था, वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं ये साबित कर सकूँ, और आपके पास भी इसीलिए आया हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि आप शायद इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। बस अच्छा हुआ तुम आ गए। बरसों मेरा जमीर मुझ पर लानत भेजता रहा कि एक बेगुनाह खूनी ठहरा गया, मैंने कुछ न किया। तुम्हारा शक ठीक है, तुम्हारे पिताजी निर्दोष हैं। जिस वक्त माला का कत्ल हुआ था मैं वहां तफ्तीश के लिए गया। तुम्हारे पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद मैंने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी। आपने मुझे याद फरमाया? जी देखिए। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सुना है मिस्टर मेहता कि आपको किसी तीसरे आदमी पर शक है? जी। माला मर्डर केस? जी हाँ जी हाँ। ये दवा की शीशी मिली है मुझे लाश के पास, ये मिर्गी के रोग की दवा है। जो इसे इस्तेमाल करता है इसका आदि हो जाता है और फिर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगा है कि माला इस दवा को इस्तेमाल नहीं करती थी। और न शंकरलाल। फिर माला के जिस्म पर जो घाव था वो बाएं हाथ का वार था और शंकरलाल हर काम दाहिने हाथ से करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाएं हाथ वाला आदमी, ये दवा की शीशी, इसका माजरा क्या है? इस सिलसिले में एक बात और भी है मिस्टर मेहता जिस पर शायद तुम्हारी नजर नहीं पड़ी। फरमाइए। और वो ये कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जैसे नातजुर्बेकार इंस्पेक्टरों में यही तो कमजोरी होती है कि तुम लोग सीधे और साफ निशान छोड़कर बेकार की उलझनों में अपने आप को फंसा बैठते। अब इस केस को लो, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि असली कातिल शंकरलाल ही, लोगों ने उसे खून करते हुए देखा है। जिस खंजर से उसने कत्ल किया उस पर उसकी उंगलियों के निशान है। इतना ही नहीं बल्कि दो दो गवाह मौजूद है। मगर न जाने आपको क्या हो गया है कि यह शीशी और वो बायां हाथ और क्या क्या लिए फिरते हैं आप। प्रोसिक्यूटर साहब ठीक कहते हैं लेकिन जाइए, हमारे वक्त में खराब कीजिए। अदर्स मुझे इजाजत है? यस। इस पर मैं चुप हो गया लेकिन मेरे दिल से शक न गया, मुकदमा शुरू हो गया। हर एक सबूत तुम्हारे बाप के खिलाफ निकला और उन्हें काले पानी की सजा हो गई। मुकदमे के बाद जब मैं कोर्ट से बाहर निकल रहा था, चुम्मन किशोरी से कह रहा था, वाह किशोरी, कमाल कर दिया तुम्हारी गवाही, किस सफाई से काले पानी भिजवा दिया उस गरीब। उसी काले पानी भेजने में तुम्हारा भी तो हाथ है। लाओ वो खत मुझे दे दो। कौन सी खत? वही जिनमें असली राज है। मैं ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली जो मन में। खत तुम्हें वापस कर दूं तो मैं किसका घर देती। देखो किशोरी, तुम्हें पैसे से मतलब है ना,
वो तुम्हें बराबर पहुंचते रहेंगे, वो खत दे दो। ना जुम्मन मियां, उन महाशय से कह देना खत तो मैं मरते दम तक नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं उसकी छाती पे सवार रहूंगी और हमेशा ऐश करूंगी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया कि तुम्हारे बाप बेगुनाह थे, लेकिन मैंने एक खुदगर्ज और बुजदिल आदमी बनकर इस वाकई की रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आज तक मैं तो आप मुझे क्या सलाह देते हैं? वो किशोरी आजकल हैदराबाद की सबसे मशहूर तवायफ है, अगर तुम किसी तरह से वो खत वहां से उड़ा लो तो अपने बाप को आजाद करा सकते हो। ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। कश्ती पलट के हल्के तूफान में आ गई, मौजों के साथ साथ किनारे चले गए हम। मधोश मियां, हाँ फरमाइए। एक बात बताओगे? जरूर। वो मोहल्ला किस तरफ है? कौन सा भाई? यहाँ नाच गाना होता। क्यों करण साहब, आपको उस मोहल्ले में क्या काम पड़ गया भाई? मुझे वहाँ एक बहुत जरूरी काम से जाना है बदरू मियां। क्यों भाई साहब, हमसे ही छुपाते हो? हम कौन सा आपकी रंगीन मजाजी का भांडा फोड़ देंगे? खामोश दौलत मियां, आप नहीं जानते, अरे जवानी में हर को कोई ना कोई शौक हो ही जाता है। और बदरू मियां, भाई साहब को गाना सुनने का शौक पैदा हो गया? इसे मजाक मत समझो भाई। अच्छा, तो इसका बंदोबस्त बदरू किए देता है? हाँ हाँ करण साहब, मुझे बताइए ऐसी कौन सी कत्ताला है जिससे आपका काम आन अटका है? अरे बाजार हुस्न की कौन सी ऐसी तवायफ है जिसके कोठे पे इस खाकसार के कदम नहीं पहुंचे? आप उस जालिम का नाम तो बताइए। वो यहाँ की बड़ी तवायफों में से। गजारा? नहीं। मुश्तरी? अख्तरी? किशोरी? हाय किस जालिम का नाम ले दिया तुमने, अंग्रेजी वाले लगी। आप तुम रहने दो मदोश मियां, वो अपने चाहने वालों की पहले शक्ल देखा करती है, और खुदा ने जो शक्ल तुम्हें बख्शी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मियां, अच्छे दिनों में तो वहाँ हमारी भी रसाई नहीं होती थी। क्यों जी, उसके कोठे पर पहरा रहता है क्या? जी वो अपने पहरेदारी आप ही करती हैं। किशोरी की यहाँ जाना कोई दिल लगी नहीं, मत जाते ही आपके सामने पान पेश किया जाता है, अगर थाली के अंदर 100 रुपए का पत्ता नहीं डाले तो आपको 100 जूते लगाकर बाहर निकाला जाता है। बदरू मियां, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे तो अपने पास सिर्फ तांगे के किराए जितने ही हैं। तब तो मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात है, तवायफों के बारे में मैं ये भी जानता हूँ कि रुपए पैसों के अलावा वो और भी 3 चीजों पे मरती है, अच्छी शक्ल, अच्छा गला और अच्छी शायरी। इनमें से 2 खूबियां तो आपके पास मौजूद हैं, और माशाल्लाह आप गाते भी बहुत अच्छा है। 2-1 दफा बाथरूम में यानी गुसल खाने में आपको गाते हुए सुना है करण साहब। भाई अगर 2 खूबियां इनमें मौजूद है तो 3री खूबी इनके नजर मैं किए देता हूँ, मेरी चने गजलें याद करके बाकायदा शायर बन सकती हूँ। भाई शायर बनना तो ठीक है, लेकिन शायराना लिबास भी तो होना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुर्ता और पाजामा तो मैं दे सकता हूँ, अलबत्ता टोपी और अचकन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग फिक्र न कीजिए, इसका बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा। नजर लागे राजा तोरे बंगले पर, नजर लागे राजा तोरे बंगले पर, नजर
रहती राजा तोरे बंगले पर, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। बेला चमेलिया जो मैं होती राजा, बेला चमेलिया जो मैं होती राजा, बेला चमेलिया लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हमारा गाना तो आपको पसंद आया नहीं लगता, ये गिलोरी खाके मुंह का मजा बदल लीजिए। इससे तो सिर्फ होंठ रंगे जाएंगे, मुंह का मजा आपकी गिलोरी से नहीं बदलेगा। हमें कुछ ज्यादा ही कड़वा हो गया लगता है आपका। यहाँ तक तो ठीक समझिए आप। तो सुना है एक कड़वाहट दूसरी कड़वाहट से कट जाया करती है, कहिए तो वो हाजिर करूं, उससे आपका दिल बहल जाएगा। मैं से गरज निशात है किस रूह से आको, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शक्ल से तो आप बहुत भोले नजर आते थे। इस शक्ल से आप जैसी बहुत सोने धोखा खाया है और बाद में मर बैठी हो। बड़ा गरूर है अपने आप पर, लेकिन खैर आप हमारे घर आए हुए हैं और हम मेहमान की खातिर करना जानते हैं, इसीलिए तो हम भी आप तक खींचे हुए चले आए हैं। इसके मंगाने की क्या जरूरत थी, बस यूं ही हंस के बात करती रहती हमें नशा हो जाता। वो नशा जरा ज्यादा तेज है, उससे बहुत से बहक जाया करते हैं, आप इसी से शौक कीजिए। अगर इसी का नशा कराना है तो फिर अपने इन गुलाबी हाथों से पिलाइए। और पिएंगे? जी हाँ, क्योंकि अभी तक आपसे सुने हुए गीत की तरक्की बाकी है। क्या इतना गया गुजरा था वो गीत? मैं आपके हुस्न की तारीफ कर सकता हूँ, मगर एक शायर होते हुए एक फीके गीत की तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा, तो गोया आप भी शेर कहते हैं। मगर इतने निकम्मे नहीं जैसे कि आपके गीत के बोल। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लाहौल बिला लिपट रहती हूँ। शुक्र है आपको गीत ही बेमजा लगा, मैं तो डर रही थी कहीं मेरा गाना भी आपके कानों पर बाद में गुजरा। अफ़ा, आप तो मैं अपनी तारीफ सुनने की कितनी बेताबी रहती है।
मैं तो बिन कहे आपके खाने की तारीफ करने वाला था, मगर यह जरूर कहूंगा कि अगर इस सुरीली आवाज से गाना भी हसीन गाया होता तो कयामत ना आ गई होती। बातें करनी कोई आपसे सीखे, हम तो यूं ही बदनाम हैं कि हम लोग बातों की कमाई खाते हैं। हम बातों से नहीं, अपने शेरों से, अपने आवाज से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमारा दिल जीते तो जाने। तो लीजिए, लेकिन जरा दिल थाम के बैठिएगा, हमने ऐसे बात से दिल लुटा लिए हैं। और हमने भी दिल दिया कभी नहीं। हाँ, इस लगन में बहुत सोने मुंह की जरूर खाई है। आप जैसी हसीना को शीशे में उतारना क्या मुश्किल है। हाथ कंगन को आरसी क्या है। अच्छा, अगर आप खुद ही अपना तमाशा देखने पे मछली हैं तो लीजिए, लेकिन ये शर्त है कि इधर हम गाएं और उधर आप उसी को भाव में ढालती हुई चली जाएं। मंजूर है।
अगर किसी को अपना दिल खो बैठने का अंदेशा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये हम आपको कल आके बताएंगे। नजर लागी राजा तोरे बंगले, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे नजर, जो मैं हो तिराजा बेला चंबेलिया, जो मैं हो तिराजा बेला चंबेलिया लिपट रहे तिराजा, जो मैं हो तिराजा जो मैं हो तिराजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी जी माफ कीजिए, मैंने इसे अपना कमरा समझ लिया था, दरअसल यहाँ के सभी दरवाजे एक जैसे। चाची का कमरा है। कमाल है, सब गड़बड़ हो रहा है। गुड नाइट। एक ख्याल आता है कि आपसे माफी मांगूं क्योंकि मैंने आपको बेवक्त नींद से उठाया है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि माफी तो उस बात के लिए मांगी जाती है जिस पे आदमी को कोई कोई पछतावा हो, और यहाँ तो अगर कोई पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि ये भूल मुझसे पहले क्यों नहीं हो गई। किसी किसी भूल का आदमी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। जो भूल आदमी को अच्छी लगे उसकी सजा भी अच्छी लगती है। देखती हूँ शायरों का सा लिबास पहनकर, तबीयत पे कुछ शायराना हो गई। लिबास का इसमें कोई दखल नहीं, क्योंकि तबीयत में रंगीनी तो किसी की सुंदरता देख के आई जाती है। मुझे तो यहाँ कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। इसे आप मेरी निगाहों से देखिए। कहाँ से आ रहे हैं आप इतनी रात के? यूं ही शहर की सैर कर रहा था। सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो तब मानते जब आपने इंतजार किया होता। अगर किसी दिन ये भी करके दिखा दें तो उस रोज हम समझेंगे कि हमारा नसीब खुल गया है। सब बखैर। काली अचकन और काली टोपी दोनों गायब। यही तो मैं कह रहा हूँ, गायब गायब गायब। मगर मैं ये कैसे मानूं? आज तक मेरे होटल की कोई चीज इधर उधर नहीं हुई। तो फिर मेरी काली टोपी और काली अचकन कहाँ गई? खूंटी निगल गई या दीवार खा गई? क्या नहीं बदलू? ये आपकी काली अचकन और टोपी गायब है। हाँ गायब है, मेरा मतलब है हाँ गायब है। आपके साथ ऊपर जाओ, सारे कमरों में तलाशी लो, और जिसके कमरे से इनकी चीजें निकले तो मैं इसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। ऐसा मतलब है उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। जाओ जी। ये टोपी आपकी है मैं पूछ रही हूँ। और याचकर, अरे आप भी अजीब आदमी है। उस आदमी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे होटल को सर पर उठा लिया है और अब चाची के साथ एक एक कमरे की तलाशी ले रहा है। आपको पूरा यकीन है कि आपने अपने कमरे में रखा था? क्या
वो ऑफिस को ही आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में से चोरी हुई है। कमाल है, हमारे ये गेस्ट हाउस में से कोई आदमी गायब नहीं हुआ और ये काली कचकन और टोपी कैसे गायब हो गई? नाम तो बड़ा रखा आलीशान होटल, यहाँ तो लोगों के कपड़े तक गायब। ये आपको बराबर पता है कि गायब है? जी हाँ हाँ कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ। अगर आपको अचकन और टोपी मिल गई तो मैं कहता हूँ अजीब आदमी कहाँ से मिलेगा जब गायब हो गई तो। सर समझिए, ये देखो ये यहाँ कैसे आ गया है? ये कैसे यहाँ आया? ये क्या है अचकन और टोपी है, ये क्या है? चश्मा लगाया करो, खाम खा सबको बदनाम करते फिरते हो। भैया मुझे करण की बड़ी फिक्र लगी हुई है। मगर उसका खत तो आया था ना भाभी? बस एक खत ही आया था, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। और उसके पास पैसे भी तो नहीं थे, ना जाने वो शहर में कैसे रह रहा होगा। तुम फिक्र ना करो भाभी, अगर जरूरत पड़ी तो हम हैदराबाद जाएंगे। दिल लगा के कतर गई सारे, दिल लगा के पूछे ना कोई फिर सहारे। मुझे याद नहीं,
मैं जिंदगी में इतनी खुश पहले कब हुई थी, लेकिन हर खुशी से बहुत से बढ़ जाती है, तो वो इंसान को उदास कर दिया करती है, क्योंकि फिर उसके छिन जाने का डर होने लगता है। अगर ये डर मैं दूर कर दूं तो तुम्हें हंसते खेलते अपना सब कुछ लुटा दूं। ये सब लुटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना हाथ मेरे हाथ में दे दूं, मुझसे शादी कर। करण बाबू देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मजाक न कीजिए, मैं पहले ही दुखी हूँ, मुझे यूं न सताइए। मैं सच कहता हूँ किशोरी, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, सच कहता हूँ। मुझसे शादी करूंगी, मैं आपकी योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी आपके काबिल बनने की कोशिश करूंगी। बत्ती क्यों नहीं जला ली? आप इतनी मीठी नींद सो रही थी कि सोचा बत्ती जलाई तो आपकी आंख खुल जाएगी। अभी अभी आंख लगी होगी, जरा देर पहले तक तो मैं जाग गई थी। इतनी रात गए तक जागना अच्छा नहीं, और इतनी रात गए तक बाहर घूमते फिरना भी अच्छा नहीं। जिसकी दुनिया में किसी को जरूरत ना हो वो भटकता ना रहे तो अब क्या करे। यूं वाही तबाही फिरने वाले को लोग सौदाई कहते हैं, या किसी का सौदाई। अच्छा तो सौदाई साहब भटकते ही रहते हैं, या कुछ खाने पीने की भी सुध है? आपके याद दिलाने का शुक्रिया, खाना तो वाकई मैंने अभी तक नहीं खाया है। खाना मैंने भी नहीं खाया है। आपने भी खाना नहीं खाया? मैंने कहा था ना किसी दिन ये भी करके दिखा देंगे। शब खैर। शब खैर। क्यों गए? जाने को दिल नहीं चाहता। क्या कहता है आपका दिल? दिल कहता है उम्र भर आपके साथ बैठा रहूं। तुम इतनी खूबसूरत क्यों आ जा? आप हैदराबाद कब तक रहेंगे? कितनी अच्छी लगती हैं ये बालियां तुम पर। बंबई कब वापस जाएंगे? अब वापस नहीं जाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? वहां आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं हूं, मेरी माँ है, बस आप दोनों। तुम चाहो तो तीन हो सकते हैं, चाहो कि ना आशा। तो किराए की? किराया कहाँ है? बस आया ही समझो चाची,
थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही इनकी गजलों का दीवान छपेगा चची, तुम्हारी पाई पाई चुका दी जाएगी। अरे आग लगे तुम्हारे दीवान को, मुझे तुम जैसे मुस्कुरे नहीं रखने अपने होटल में। कान खोल कर सुन लो, अगर आज शाम तक किराया चुकता नहीं किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से चुकता कर दूंगी, समझे? और उस करण के बच्चे से कह देना अगर उसका किराया भी नहीं पहुंचा तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी यहाँ से चलता करूंगी। अरे यार ये अपने आप को क्या समझती है जो घड़ी घड़ी यूं आकर हमें रोक दिखाती है। तुम ठहरो जी, मैं इस बुढ़िया पर 40 शेरों की वीडियो लिख देता हूँ। हाँ, क्या लिख रहे हो भाई, कुछ हम पर भी लिखो। अरे बेवकूफ, ये तुम्हारी मालकिन पर हिजो लिखने लगे हैं। हिजो? हिजो जानते हो? गालियां, गालियां। गालियां? तो दो चार गालियां मेरी तरफ से भी लिख देना। करण बाबू, ये आशा बीबी ने आपको खत दिया। ए बद्रू जी, ये पैसे आशा बीबी ने भेजे? पैसे? ये मुझे पता नहीं, उन्होंने लिफाफा दिया आपको देने के लिए, मैंने दे दिया। महबूबा हो तो ऐसी ही हो। अरे भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो। नया मालिक। बद्रू के हाथ में रुपए भेज कर तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया आशा। कौन से रुपए? बात को मजाक में टालने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे रुपए नहीं ले सकता। आपसे ये किसने कहा कि रुपए मैंने आपको दिए हैं? ये रुपए तो आपके हाथ से चाची को देने के लिए भिजवाए थे। कुछ भी हो मगर मुझे ये रुपए नहीं लेने, ये गलत बात। फिर वही बात, ये कौन कह रहा है कि रुपए आप ले दीजिए, चाची को दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये सब ठीक है मगर मगर क्या पानी में। आपको मेरी कसम, जो इस बारे में कुछ भी बात करें, अगर इस बात का इतना ही ख्याल है तो जब कभी मैं बंबई आऊं तो ये पैसे मुझे अपने शहर की सैर कराने में खर्च कर दीजिएगा। बच्चों की सी बातें मत करो आशा, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकता। हम अपने मेहमान से रहने का किराया नहीं लेते। लेकिन मैं इस होटल में मेहमान बन के तो नहीं रहता। चाची की नजर में ना सही, हमारी नजर में तो आप मेहमान हैं, बल्कि बड़े सर फिरे मेहमान, क्योंकि मेहमान तो सिर्फ घर में रहते हैं, मगर आप तो न जाने कहां कहां बसे चले आ रहे हैं। कौन कहां बसने आ रहा है? चाची, चाची हम उस अचकन और टोपी वाले आदमी की बात कर रहे थे, उस दिन वो आपके सामने किस तरह मुंह उठाए चला आ रहा था और कह रहा था कि वो मेरी अचकन और टोपी चोरी हो गई। अरे उस जैसे लफंगे मैंने कितने ही सीधे कर दिए हैं, देखा नहीं तुमने कैसे मैंने उसे खड़े खड़े बाहर निकाल दिया? क्यों जी, और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चाची तुम चुप रहो आशा, इसे और इसके निकम्मे साथियों को कोई चीज नहीं देना, जब तक ये किराया ना दे दे इसकी कोई शिकायत पर ध्यान नहीं देना। किराया देने तो आए हैं चाची, ये लो रुपए। हाय हाय, अरे तो अभी तक मुझे घुमिया दिए क्यों खड़े थे? अरे पहले क्यों नहीं बताया कि रुपए लेके आए हो? कहो क्या शिकायत है, क्या चाहिए? तुम रुपए संभालो चाची, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम दे नहीं सकोगे। उस रोज तुम कह रही थी कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, हालांकि सच इसके उलट है। देखो ना मैं कितना गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, तुम्हारा खर्च तक नहीं चला सकता। इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं गरीबी से नहीं डरती, मेरे पास आमदनी का एक और जरिया भी है, जिसकी बदौलत हमें रुपए पैसे की कभी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हारी कमाई पे कैसे रह सकता हूँ? मेरी कमाई का कौन जिक्र कर रहा है, मेरे पास एक चीज है जिसकी वजह से हम दोनों का गुजर हो सकता है। क्या चीज है वो? है एक चीज, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, अभी मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ, तुम समझ आना चाहती हूँ,
पहचान। सब ठीक है लेकिन किशोरी मुझसे प्यार करने लगी है, मैं उसके साथ ही पैंतरा कैसे खेल सकता हूँ। वो बड़ी दुखी औरत है मेहता साहब, अब वो मुझसे अपनी मुक्ति की आस लगाए बैठी। तुम्हारे बाप से भी ज्यादा दुखी, वो भी तो तुमसे मुक्ति की आस लगाए बैठा है। आज किशोरी का जादू तुम पर इतना चल गया है कि तुम ये भी भूल गए हो कि आज उसकी बदौलत तुम्हारा बाप जेल में सड़ रहा है। तो फिर आप मुझे यकीन दिलाइए कि इस खत के बिना पर मुकदमा नए सिरे से खुलवाया जा सकता है। ठीक है, कल सुबह तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हें लेकर सरकारी वकील के पास चलूंगा। जी। देखो बदरू के बच्चे, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे ये पता चले कि तुम नवाब नहीं कोई घसियारे हो। घसियारे होगा तू, दे जानता नहीं, बरसों से होटल में नौकरी किया हूँ बैरा का, हजारों नकली नवाबों से वास्ता पड़ा है। अभी भी मैं असली नवाब का काम नहीं किया तो मेरे वहां कोई गधा नहीं। वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। सुन, इसीलिए तो ये मुश्किल काम तुम्हारे सुपुर्द किया है, तुम्हारी शक्ल बड़ी नवाबों जैसी है मगर तुम की अबे वो बटाटे बटाटे हुक्का समाल हुक्का, अबे वो एक्टिंग करूंगा, वो एक्टिंग करूंगा कि चल चल। अरे अभी फिर वो दौलत चंद के बच्चे को तो आना। दौलत चंद दौलत लेकर आ गया है, ये लो रुपयों की थैली, अबे पत्थरों की है, और ये लो चेकबुक। बकवास है, और असली चीज भी लाया हूँ। जल्दी जल्दी ये लो 100 रुपए का नोट, असली है, पठान से लाया हूँ, वो नौकर वाले पठान से वापस देना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ, हाँ। मैं भी जानता हूँ उसको। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, जरा तसल्ली रखिए करण बाबू, अभी कपड़े बदल के आ रही है आपकी बेगम। तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो के इंतजार किसे कहते हैं। करण बाबू, हम लोगों की तो पूरी जिंदगी इंतजार बन के रह गई है। आदाब नीलम भाई, बाहर एक नवाब साहब आए हुए। नवाब साहब ऊपर आ रहे हैं। आइए आइए ना, आइए आइए, ओह आइए 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 ना। बादशाह कहाँ जा रहे हो? गलत रास्ते भी जा रहा हूँ। हाँ वो है, नवाब साहब मजाक बहुत पसंद करते हैं। आइए आइए पहले आप। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, नवाब साहब को हिकमत का बड़ा शौक है, हर नए मिलने वाले की नज़र देखा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या सेहत पाई है, और आपकी नफ्स की रफ्तार तो हिरनी की तरह है। पाल लीजिए ना। पाल जरूर जरूर लीजिए। आदाब से। अबे बेवकूफ, वो किराए का नोट था। खामोश, तुम अपनी जगह पे खड़े रहो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज तो चांद बड़ी जल्दी निकल आया। बहुत देर लगा दी तैयार होने में, कुछ लोग तो आ भी गए और कुछ शायद जाने वाले भी हैं। क्या मतलब? हाँ। आज गाना नहीं सुनूंगी। आज कोई खास बात है क्या?
ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। आदाब बजा लाती। आदाब, ये है अमीरुल मुल्क खादरुज़्ज़मा फखरुद्दौला खादरुद्दौला चिरागुद्दौला जनाब नवाब बदरुद्दौला जिन्होंने तुम्हारे गरीब खाने पर कभी तो काफ बोल बहुत खूब जिन्होंने तुम्हारे गरीब खाने पर खदम रंजा फरमाया। फौरन शेर पढ़िए, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ठीक है, मुझ नाचीस के घर आपने कदम रंजा फरमाया है, कहे नसीब, मैं तह दिल से आपकी ममनून हूँ। हम कल ही इस शहर में आए हैं और तब से तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी आवाज के चर्चे सुन रहे हैं। तुम्हारे खूबसूरती के बारे में तो लोगों की तारीफ बजा है, अब तुम्हारी आवाज की वो जादू देखना है जिसने सबको दीवाना बना दिया है। क्या कर रहा है? देख रहा हूं असली है कि नकली। क्या लड़की, आपकी जरा नवाजी है जो आपने मुझ नाचीस को अपनी पसंद से नवाजा है। भाई अब सांस छेड़ो, हमारी आवाज तुम्हारे कान पीने को तैयार है। हमारे कान तुम्हारी आवाज का रस पीने के लिए तैयार और बेकरार है। छोड़ो छोड़ो
अब यूं ही किसी ने समझाया, दुनिया से न रख उम्मीदे वफा। जब यूं ही किसी ने समझाया, कुछ और बढ़ी सीने की जलन, कुछ और बढ़ा उनका साया। रह रह के हमें रोना आया, क्या कहिए हमें क्या याद आया, क्या कहिए हमें क्या याद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आवाज, ओह क्या आवाज पाई है, मजा आ गया मजा आ गया। शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि ये गजल लिखी किसने है? वो शायर भी यही है। उस शायर को हमारे हुजूर में पेश करो। आरज नौजवान, हम तुम्हारी शायरी से बहुत खुश हुए। जी चाहता है कि तुम्हारा मुंह चूम लो। आपके जरा नवाजी का शुक्रिया। बबन मियां जी सर, इनाम की थैली शायर को दे दो। बदतमीज कहीं का, माफ करना सर, सारी की सारी थैली। इस गुस्ताखी का मतलब? मेरा मतलब है हुजूर, सारी नकदी इस थैली में है, जल्दी निकालो सरकार। ओहो अच्छा मियां मदद कीजिए। दीजिए हुजूर, सामान इसमें भर लेंगे। दिल बैठे बैठे भर आया, क्या कहिए हमें क्या याद आया। बबन मियां जी सरकार, 100 रुपया और शायर को देना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, मगर सरकार सारी नकदी तो उस थैली में चली गई है। तो क्या हुआ भाई जी, वो 100 रुपया जो मैंने आपको दिया है आप शायर को दे दीजिए। ले लीजिए ले लीजिए, आप ही के हैं आप ही के हैं। मियां 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 सरकार, कौन सा मियां? चेक वाला मियां। तो गधे उस तरफ बोलना। लाइए चेक लाइए। भाई जी आप घबराइए नहीं, मैं 100 रुपए की अवज में आपको 200 रुपए का चेक दे रहा हूँ। 200 रुपए का चेक भाई जी को दे दो जल्दी से। फिर तशरीफ लाइएगा ना। जरूर जरूर, जब रूह प्यासी होगी तो चले आ जाएंगे। आदा 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 सरकार। आइए अंदर बैठे। मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। आप कहाँ चले करूँ बाबू, आपसे तो आज बहुत सी बातें करनी। आज तो तुम्हारे गाने ने कमाल कर दिया किशोरी। कमाल तो आपने किया है करण बाबू, रंडी के कोठे पर हर रोज नित नए लोग आते, कोई उसकी बातों का सौदा करता है, कोई उसके गाने का और कोई उसके जिस्म का। वो उन अनजाने लोगों को नापसंद करते हुए भी उनके हाथ कभी अपनी कला और कभी अपने आप को बेचती, क्योंकि इस पेशे में इसी तरह जलील होकर अपनी रोजी कमाई जाती है। ये बैठे बैठाए क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वेश्या भी तो आखिर इंसान होती है करण बाबू, वो इतनी गिरी हुई होने पर भी अपने दिल के मंदिर में उस भगवान की आरती उतारा करती है, जो एक आदमी के रूप में आकर उसे इस गंदगी के जीवन से छुटकारा दिलाएगा। और उस आदमी के भगवान होने की निशानी ये होती है कि वो उससे लेता कुछ नहीं, वो तो वेश्या के नंगेपन को अपनी इज्जत की चादर से ढकने आता है। ये तुम क्या कह रही हो, ये सब मुझे क्या सुना रही हो? कल तक मेरी नजर में तुम वो भगवान थी जिसके इंतजार का चिराग मैं अपनी जिंदगी के अंधेरे में रोशन किए बैठी थी। उस दिन जब तुमने मुझे अपनाने का, मुझसे शादी कर लेने का वादा किया था, तो मुझे तुम्हारे भगवान होने में कोई शक न रहा था। लेकिन आज जब मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी निजात के लिए नहीं बल्कि अपनी करस के लिए मुझे धोखा देने आए थे, तो अब तुम मुझे कितने ओछे लग रहे हो। आज तुम मेरी नजर में
मेरे गंदे से गंदे ग्राहक से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि वो खुले बंदों मेरा सौदा करता है। और तुमने मुझे अपने प्यार का धोखा देकर अपना मतलब निकाला था। कितने नीच हो तुम, इसी खत के लिए इतना ढोंग रचाया था तुमने। बस कह चुकी हैं, अभी कुछ और कहना बाकी है। आज मैं तुम्हें एक नीच और ओछा आदमी नजर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्यार का धोखा दिया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि तुम किस मुंह से आज जज बन के बैठी हो? जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के तो देखो, क्या तुम वही जमीर फरोश औरत नहीं जिसने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर एक बेकसूर बेगुनाह आदमी को मुजरिम कह के जेल के अंधेरे में ढकेल दिया था? तुम जो खुद इंसाफ का खून कर चुकी हो, आज इंसाफ की दुहाई दे रही हो। तुम मुझे नीच कहती हो? तुम जिसने एक औरत की पूनम ऐसी जिंदगी को अमावस के अंधेरे में बदल दिया, जिसने एक सुहागन को एक विधवा का रूप धारण करवाया। इधर देखो, मेरी शक्ल की तरफ देखो। मैं उस बेकसूर बेगुनाह आदमी का बेटा हूं जिसकी जवानी की सुबह को तुमने जेल का घुन लगाकर बुढ़ापे की रात में बदल दिया है। मेरे पिताजी पिछले 15 बरस से अपनी बीवी के प्यार और बेटे का लाड उठाने के लिए तरसते रहे हैं, और इधर मैं उनकी मोहब्बत से महरूम उनके जीते जी यतीम बड़ा फिरता रहा हूं। यही वजह है कि मैंने ये खत हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसी से मैं उनकी रही सही जिंदगी को खुशियों से भर सकता हूं। और यही वजह कि कल तक जो आदमी तुम्हारी नजरों में भगवान था, आज तुम्हारे सामने जलील बना खड़ा है। मुझे क्या मालूम था कि वही आदमी तुम्हारे पिता निकलेंगे। किशोरी, मैं जानता हूं कि यह खत तुम्हारी उम्र भर की रोजी की जमानत है, और यही खत मेरी भी तमन्ना है। लेकिन मुझे अपनी तमन्ना के लिए तुम्हारी उम्र भर की रोजी छीनने का कोई हक नहीं है। हाँ, आज मुझे इतना जरूर यकीन हो गया है कि मेरे नसीब में अपने पिता का प्यार नहीं लिखा। आपसे कहा था ना कि इस खत को पढ़ने के बाद आप भी मान जाएंगे कि मेरे पिताजी बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये देखिए, इस खत से साफ जाहिर है कि असली कातिल मेरे पिताजी नहीं बल्कि दीवान सदारी लाल है, जिसने अपने हाथ से खत माला को लिखा है। और ये देखिए, दूसरा खत माला का है। जिसमें उसने मेरे पिताजी को दीवान सदारी लाल के इरादे से खबरदार किया है। अब बस मेरी यही इल्तजा है कि आप फौरन इस केस को दोबारा खुलवाकर मेरे पिताजी को रिहा करवा दीजिए। बैठो। बात अब मैंने आपकी असलियत पहचानी, अब मुझे मालूम हुआ है कि असली खूनी को आप ही ने बचाया है।
आप ही ने मेरे बेगुनाह बाप को जेल में भिजवाया है, आप ही ने अदालत से गलत फैसला करवाया है। आप कानून के मुहाफिज नहीं, कानून के गद्दार हैं। तुम वकील नहीं, जल्लाद हो, जल्लाद हो। तुमने ये खत जला तो दिए है, लेकिन कह देता हूं कि तुमको और दीवान सरदारी लाल को जेल भिजवाया है। मैं चैन नहीं लूंगा, याद रखो। बहुत बिजी हो आशा? आशा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। आशा मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस चंद एक मिनट मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है और अभी करनी है। मेरे पास आपकी बातों के लिए या आपके लिए कोई वक्त नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कल तक तो अच्छी भली थी। कल तक मैं आपको पहचानती नहीं थी, लेकिन आज इतनी भोली नहीं कि आपकी बातों में आ जाऊं। मैं आप जैसी आवारा के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। क्या कहा तुमने? आवारा 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 आवारा, सुन लिया? मेरा हाथ छोड़ो, दफ्तर में तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं। तमाशा मैं दिखा रहा हूँ या तुम दिखा रही हो? गेट आउट। लेकिन वकील साहब कोई सूरत तो होगी। नहीं मिस्टर मेरा, अब कोई सूरत नहीं। उन खतों के जल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। छपने ही वाला है, आपका सब बिल चुका दिया जाएंगे। फेंक दे इनका सामान, मुफ्त खोरे निकम्मे कहीं के। क्या देख रहा है बदरू? चाची ये लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप समझती हैं। बेचारे हालात से मजबूर है। क्या कहा तूने? मेरा मतलब है चंद दिन की और मोहलत दे दीजिए इन्हें। तू भी निकल जा, बढ़ाया हमदर्द कहीं का। अच्छी बात है। ये ले लीजिए आपके कपड़े, पतलून मैं फिर भिजवा दूंगा। और देखिए मेरे तनख्वाह के जो पैसे बाकी हैं इनके बिल कटवा लीजिए। चलो जाते हैं, खुदा हाफिज, मिलने की दुआ करना। जब कोई न हो होटल में तब हमको बुला लेना। मुझे भी बुलवा लेना। क्यों यारो, क्या ख्याल है, आज की रात इसी पुल के नीचे गुजार दी जाए? भाई माँ बदौलत को ये जगह कुछ जमी नहीं, बड़ी वीरान वीरान सी है, और फिर किसी हसीना की रह गुजर भी तो नहीं। हसीना भाई भाड़ में और तेरी शायरी भी, सुबह से तुम्हारे सामान लेके सर पे घूम रहा हूँ, क्या मैं गधा हूँ? अम्मा बदनी मियाँ, गधा तो उसे समझा जाता है जो न हो। ये ठीक कही है। वो भटके, रात को यही सोना होगा, जिसको सोना है मेरे साथ आओ और अपना अपना सामान उठाओ। अम्मा बदरू मियाँ, खैर कोई बात नहीं, दौलतचंद सामान उठा लाओ। ओ शहर के बच्चे, दौलतचंद को भी गधा समझ रखा है, उठा सामान अपना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, हम यही करेंगे। वो बिस्तरा भी उठा। अच्छा शायरी के बोझ से काफी लदे हुए हैं, तुम कहते हो तो यही सही। तुम्हारे जैसे शायर बिस्तरा ही उठाते हैं, काफी हो गया। करण बाबू,
हम तो तुमको शहर में ढूंढ रहे थे। करण भैया, बहुत ही अच्छा हुआ तुम हमें यहाँ मिल गए। चलो अच्छा हुआ करण भैया। हमें ये क्या बेचता है? हिंदी में कुछ लिखा हो पढ़ो ना। अबे पढ़ना किसे आता है। तो चलो फिर वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। जी हजरत, हमारे लिए तो काला अक्षर भेद बराबर है, कुछ बोलिएगा तो समझ में आएगा। क्यों हजरत? अरे मौलाना, क्या मामला है? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ तो कोई बोलते ही नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। क्यों भाई, क्या माजरा है? किसने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की? We want justice। जी हजरत, इन काले कपड़ों में किस माशूक का सोग मना रहे भाइयो? ना मैं पागल हूं और ना दीवाना, आप लोगों ही की तरह एक सीधा साधा आदमी हूं और यहां जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा हूं। जुल्म? कैसा जुल्म? ऐसा जुल्म जो शायद ही कभी किसी आदमी पे हुआ हो। मेरा नाम करण है, मैं आपके शहर में परदेसी हूं और यहां उस बेगुनाह बेकसूर आदमी को रिहा करने की उम्मीद में आया हूं जो पिछले 15 बरस से हैदराबाद की जेल में बंद है, बेकसूर बेगुनाह। ए मिस्टर, कौन है वो आदमी? वो मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? वो बिल्कुल निर्दोष है, उनके साथ बेइंसाफी हुई है जिसका सबूत मेरे पास है। और जो आदमी उस बेइंसाफी का जिम्मेदार है उसका नाम जसवंत राय है, वकील जसवंत राय, जिसके दरवाजे के सामने हम सत्याग्रह किए खड़े हैं। क्या हो रहा है हैदराबाद? अगर आप इजाजत दें तो उस छोकरे को पार लगा दूं। नहीं नहीं, तुम लोग कुछ ना करो। अगर यही इंसाफ है जिसे इंसाफ कहते हैं तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, हम में से कोई भी हो सकता है। बस मुझे यही कहना है, इसके बाद आप चाहें तो मुझे अपनी गालियों और जूतों की बौछार करें और चाहें तो मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर मुझे इंसाफ दिलाएं। जरूर दिलाएंगे, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। क्यों भाइयों, क्या ख्याल है भाइयों? हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए वहां पर थानेदार साहब हैं, उनसे कहना राय बहादुर जसवंत राय आपसे बात करना चाहते हैं। साशा, होल्ड द पेज, कल के अखबार के लिए हेडलाइंस लाया। क्या हुआ? इससे सारे शहर में खलबली मच जाएगी। आखिर बात क्या है, हंगामा क्या है? कुछ ना पूछिए, आज ही एक आदमी ने कानून और अदालत को ललकारा है। उसका मुतालबा है कि हमारे शहर के वकील पर फर्द जुर्म लगाकर उस पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उसकी बदौलत आज 15 साल से एक बेकसूर आदमी जेल में पड़ा सड़ रहा है। लेकिन ये आदमी कौन है? मैंने उसकी फोटो खींच भी ली और डेवलप भी कर ली। ये रहा वो आदमी जो वकील के घर के सामने सत्याग्रह किए खड़ा है। और वो सरे बाजार एलानिया कह रहा था कि एक बेगुनाह को काले पानी की सजा, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। फिर कोई हंसता था, कोई मजाक उड़ाता था और कुछ लोग तो दीवाना भी कहते थे। वहां तो अच्छा खासा मेला लगा हुआ है। तंदीर, मुझे वहां ले चलो। वहां? लेकिन वहां से तो मैं हम पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे। कमल हरी, कमाल है, घर तो वही है, इतनी भीड़ यहाँ जमा थी, ना जाने सब लोग कहाँ चले गए। जरा सुनिए जी, अभी अभी जो आदमी यहाँ सत्याग्रह कर रहा था वो कहाँ गया? जी जो वकील के खिलाफ बोल रहा था। हाँ। उसे पुलिस पकड़ के ले गए। पुलिस स्टेशन चलो ड्राइवर। हाँ, इस दफा तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा आपको अरेस्ट करना होगा। जी मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पिताजी को रिहा नहीं कर दिया जाता मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहूंगा। हाँ, मेरा तरीका पूरा अमल रहेगा, इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। हेलो, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझे फुर्सत नहीं। सुनिए, एक प्रेस रिपोर्टर से बात करने की भी आपके पास फुर्सत नहीं है? प्रेस रिपोर्टर? कौन प्रेस रिपोर्टर, कहाँ है? जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई न दे उनके बारे में पूछने से क्या हासिल? आप ये बताइए कि जो बेकसूर आदमी आज 15 साल से जेल में बंद है उससे आपका क्या रिश्ता नाता है? मैं उसका बदनसीब बेटा हूं। करण,
सॉरी। सुनिए, क्या मैं एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से भी कुछ नहीं पूछ सकती? बैठिए। आपको अपने पिताजी के बारे में कब मालूम हुआ? कुछ ही रोज पहले, इसीलिए मैं हैदराबाद आया था। ये किशोरी कौन है और आपसे क्या संबंध है? उसके पास मेरे पिताजी की बेगुनाही का सबूत है जिसे मैं हासिल करना चाहता था। सिर्फ इसीलिए आप उससे मिलते थे? सिर्फ इसीलिए। आपको उससे प्यार नहीं था? क्या ये सवाल भी अखबार के रिपोर्टर के लिए पूछना जरूरी है? इसका जवाब तो सबसे जरूरी है। जो बात ही बेबुनियाद हो उसका कोई क्या जवाब दे? बस एक बात और, आप हैदराबाद में और किस किस से मिले? रामदास बनिया से मिला। देखिए। हाँ। इंस्पेक्टर मेहता से मिला। और राय बहादुर जसवंत राय से मिला। बस? जी नहीं, बदरू मियां से मिला, दौलत चंद से मिला, मधोश मियां से मिला। लिस्ट पूरी हो गई? जी नहीं, एक नाम और भी रह गया है, आलीशान होटल की मालकिन चची से मिला। एक नाम और भी रह गया, उसे भी लिख लीजिए। हैदराबाद में मेरी मुलाकात एक सरफिरी और बेवकूफ लड़की से हुई जो न जाने अपने आप को क्या समझती थी। कौन है वो लड़की? एक फटीचर अखबार की रिपोर्टर, और हालत यह है कि दिमाग में भूसा भरा है, अव्वल नंबर की शक्की मिजाज है, कुछ जानती नहीं, कुछ पूछती नहीं, हर बात का गलत मतलब निकालती है। तो ये राय है आपकी उस लड़की के बारे में? जी, और ये राय उसने खुद अपने बारे में कायम कराई, वरना जब पहले पहल में उसे मिला था तो मैं उसे एक एंजल समझा था। वो मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी और हर रोज रात खाने पर मेरा इंतजार किया करती थी, लेकिन जल्द ही उसने साबित कर दिया कि ये सब कुछ एक ढोंग था, एक फरेब था, एक दिखावा था। इससे मेरे दिल पर क्या गुजरी है वो मैं जानता हूं, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में मैं देखा करता था और मन ही मन कहा करता था, तू मिल जाए तो तकदीर निकू हो जाए। जो किसी का दिल दुखाने की गलती कर बैठते हैं वो नहीं मना भी सकते। बड़ा भरोसा अपने आप पर? बात आप पर आन पड़ी है ना, इसलिए। अगर मैं फिर भी ना मानू तो? वो तो मैं देख रही हूँ। तो फिर देखती रहिए। लड़कों का पीछा करने के और कोई काम नहीं आपके पास? नहीं, यहाँ रहते हैं आप? जी। क्या बचपना है, चलो घर चलो, मैं चाची को मना लूंगी। जी नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। अच्छा, तो मैं भी यहीं रहूंगी जब तक तुम नहीं चलोगे।
जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खता। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते हो रहना किसी के। क्या करना है जीते और हो रहना किसी के। अंदर रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। आपके शहर में जुल्म हो रहा है। एक बेगुनाह उस जुर्म की सजा भुग रहा है जो उसने नहीं किया। आज की ताजा खबरें सुनिए कि वो सिर्फ दो ही आना। आज की ताजा खबरें सुनिए कि वो सिर्फ दो ही आना। आज की ताजा खबर एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी। सुनिए देखिए वकील की असली मुजरिम से मिली भगत। पढ़िए पढ़िए डेक्कन टाइम्स की वो सिर्फ दो ही आना। अरे भाई आज की ताजा खबरें सुनिए। बदरू सेठ ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई नई तजवीज सोचो। आज की ताजा खबर चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। लीजिए पढ़ लीजिए चांद में गया हुआ कुत्ता इंसान बन गया। एक एक्ट्रेस ने अपने खावन को तलाक दे दिया। रूसियों ने चांद पर हाथी को चढ़ा दिया। एक चार साल लड़के ने अपने बाप को जान से मार डाला। अगर आज आप ही उस बेकसूर को रिहाई नहीं दिलवाते हैं तो कल को आपकी आजादी भी छिन सकती है। आपके साथ भी बेइंसाफी हो सकती है। क्या अंधेरे है ये तो बिल्कुल कमाल हो रहा है। हमारी सरकार है कुछ तो करेगी। मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास। तुमने ये नहीं सोचा कि किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने से तुम कानून की जद में आते हो। लेकिन कानून ये भी तो देखेगा कि मैंने उसी का बोलबाला करने के लिए ये केस लिया है। तुम कानून को क्या समझते हो। तुमने बगैर किसी सबूत के मेरा नाम उछाला है।
मैं तुम पर इज्जत हतक का दावा करके तुम्हारा अखबार बंद करा दूंगा। लेकिन लेकिन वकील कुछ नहीं सुनिए तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, लेकिन हाँ तुम कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुम्हारे अखबार में मेरा जिक्र तक भी आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हेलो, आशा जरा यहां आओ। जी पिछले दो दिनों से जो तुम करण की कहानी छाप रही हो उसकी सच्चाई का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ एडिटर साहब, ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। करण के बाप के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है। मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दो, क्या इस सच्चाई का तुम्हारे पास कोई तहरीरी सबूत है? सबूत करण के हाथ आया तो था, और उस सबूत में करण के बाप की बेगुनाही भी साबित होती थी, असली मुजरिम का पता भी चलता था। लेकिन वो खत कहाँ है? वो खत करण वो खत लेकर वकील से मदद मांगने गए थे, लेकिन वकील ने वो खत आग की नजर कर दिया। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अब अगर वकील मेरे खिलाफ इज्जत हतक का दावा कर दे तो मेरे लिए बचाव की कोई सूरत नहीं? यकीन मानिए ये सब सच है। मैं सबूत की बात करता हूँ, सबूत की। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा नाम, मेरा अखबार, मेरी इज्जत सब खतरे में पड़ गए हैं। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे अखबार में करण का नाम तक भी आया तो। लेकिन हम करण की ये मदद करके उसके बेगुनाह बाप को जेल से आजाद करा सकते हैं। तुम जा सकती हो। तुम अपने कुछ आदमी लेकर फौरन राय साहब के यहां पहुंच जाओ। उस करण के बच्चे ने वहां भीड़ लगा रखी, उस भीड़ को तितर बितर कर दो। बहुत अच्छा हुजूर। दुनिया में जुल्म का मुकाबला दो ही तरह किया जाता है, एक हिंसा से और दूसरा अहिंसा से। जुल्म का जवाब जुल्म से देने के लिए आदमी को खुद भी एक जालिम बनना पड़ता है। यूं हम एक जालिम का खात्मा तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जगह हम खुद भी एक जालिम बन के रह जाते हैं। इस तरह जुल्म का दुनिया में खात्मा नहीं होता। दूसरा तरीका अहिंसा का है, जिसकी बदौलत हम जालिम के खिलाफ अपने दिल में जरा सी नफरत पैदा किए बगैर उसको जुल्म करने से रोक सकते हैं। मैं जानता हूं अहिंसा का रास्ता बड़ा कठिन है, इस पर चलने के लिए बड़ी हिम्मत और बड़े 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 कैरेक्टर की जरूरत है। मैं बड़ा लाचार सा और बड़ा कमजोर सा आदमी हूं, और बड़े चलाक भी हो, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके सच्चे रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। ये सहायता भाई, हम मेरी बात तो सुनो, बंद करो ये अपनी बकवास। आज तुमने कई दिनों से इस मोहल्ले का अमन और चैन बर्बाद कर रखा है। हमने तुम जैसे पाखंडी बहुत देखी। मैं पाखंडी नहीं हूं, मैंने वकील के खिलाफ जो कुछ भी कहा है सच कहा है। उसने बेकसूर मेरे बाप को सजा दिलवाई है। हमें क्या पता तुम्हारा कोई बाप था भी या नहीं। अबे उल्लू के बच्चे, सुभान सुभान कर बोलो। चलो बस करो, चलो। क्या जलसा बर्खास्त हो गया? घाटे में तो मैं रहा। देखिए ना, मैं तो यहां आपकी तकरीर सुनने के लिए आया था, सोचा था उससे मैं भी कुछ लुत्फ उठाऊंगा, लेकिन यहां आकर देखता हूं तो न वो शोर है न जोश व खरोश है। खैर, लेकिन ये जो फूल आपके चारों तरफ बिखरे हुए हैं उससे जरूर पता चलता है कि लोगों ने आपकी तकरीर पसंद की। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल। अगर आप समझते हैं कि इन हरकतों से आप मुझे रोक सकते हैं तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं। आओ दौलत चंद। भैया
करण की अब तक कोई खबर नहीं आई। कितने दिन हो गए, मुझे हैदराबाद ले चलो भैया। मगर भाभी हमारे पास कोई उसका पता भी तो हो। कुछ नहीं हो, वहां चल के ढूंढ लेंगे। अच्छा कमबख्त ने हाथ में कुचल डाला। ए ढैमन की भैंस, अंधा है क्या, दिखता नहीं, कौन हो तुम? राइट, देखो ठीक से बात करो मैन, जैसा तुम आदमी हम भी आदमी है, तुम इधर सो मैन, हम इधर सोएगा। ए मिस्टर, आपसे बात करो आपसे, तुमको आप बोलता है, आपको हम बोलता है, हमको तुम बोलता है, आप आदमी है कि पायजामा? गुवार, गुवार का लट लाठी मारेगा, लाठी मारेगा, गोली मारेगा, गोली मारेगा। कमर भैया, क्या शोर मचा रखा है? ए देखो तुम्हारा आदमी है, किस्मत पे बात करता, देखो गधा लोग। हाँ आप यहाँ कैसे आ गए? हम जेल से छूट के आया। पिताजी कैसे? पिताजी ओ लॉर्ड, बहुत खराब हालत है। कैसे हैं मेरे पिताजी? बाल बॉय, तुम्हारा बाप का कंडीशन अच्छा नहीं है, रोज रोता, होप करता तुम कब छुड़ाएगा उसको। क्या करूं, उनको छुड़ाने की सारी सूरत निकल आई थी, लेकिन वकील ने उनके बेगुनाही का सारा सबूत जला दिया है। वकील राय बहादुर जसवंत राय? आप उसे जानते हैं? Well, I know that rascal, पक्का rascal। तुम्हारा बाप को काला पानी भेजा, हमको 5 बलत जेल भेजा, वो जब तक है सबको जेल भेजेगा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। आप मुझे बता सकते हैं कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? Well, young boy, you got your heart is strong. मैं अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बैठो, पियो इसका एक घूंट पियो, एंड प्रॉमिस करो मैन कि तुम पीछा देगा नहीं। कम ऑन पियो। मैं वादा करता हूं। गुड बाय। तुम्हारा बाप हमको बोला किरण को किधर भी ढूंढो और उसको बोलो कि हमारा बदला लो, और उसको बोलो अगर वो हमारे से लव करता है तो हमारे दुश्मन वकील का कांटा साफ करो, और बोलो, अरे बोला हमारा ये आखिरी विश है, उसको पूरा करो। बाल बॉय, तुम अपने बाप का दिल ठंडा करेगा, उसका बदला लेगा, तुम वकील का खून करेगा, ये तुम्हारा बाप का आखिरी मर्जी है। डरता नहीं, लेकिन तुम ब्राह्मी से पीछे हटता? आज रात को अपने बाप का बदला लो, पीछे जाओ। Does.
यहां कैसे चले आए? पी लो एक जाम और पी लो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी घूंट है। क्या मतलब? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा खून पीने आया। उस रोज तुमने मुखद जलाकर मेरे पिताजी की बेगुनाही का सबूत मिटा दिया था। आज मैं तुम्हारी हस्ती को मिटाने आया हूं। बगदाद जो आवाज निकाली। तुमने मेरे पिताजी पर रहम किया था जो अब रहम की भीख मुझसे मांगते हो, ये जानते हुए भी कि वो बेकसूर थे। किन दामों बेचा था अपने आप को दीवान सरदारी लाल के हाथों, आज उन्हीं दामों का हिसाब लेने आया हूं तुमसे। इंतकाम लेने आया हूं उस बेइंसाफी का जो तुमने मेरे पिताजी के साथ की, जो तुमने उस रोज मेरे साथ की जब तुमने वो खत जला दिए थे। तैयार हो जाओ हिसाब चुकाने के लिए, आज मेरी बारी। एक मिनट। एक मिनट तो क्या, दो मिनट भी दे सकता हूं वकील साहब। याद कर लीजिए अपने भगवान को या अपने शैतान को, जिससे भी आपका लगाव है। मुझे किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे नहीं मारोगे। मुझे मार देने से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तुम्हारा खून बहाने से मेरे दिल की आग ठंडी हो जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी मुझे कि मैंने अपने बेकसूर बाप का बदला ले लिया है तुमसे। लेकिन इससे तुम्हारे बाप को जेल से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा खून करने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार कर ली जाओगे और फिर फांसी या काला पानी। याद रखो, जब तुम्हारे बूढ़े बाप को पता चलेगा कि उसका इकलौता बेटा खूनी निकला, तो वो जेल की दीवारों पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस वाकये के जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगा। तुम जिस तरह चुपके से यहां आए हो, उसी तरह चुपके से निकल जाओ। अभी तुम जवान हो, तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। अब तुम जो कुछ भी यहां हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से अपना जीवन बिताने की कोशिश करो। जाओ जाओ। आशा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि करण के बारे में कुछ नहीं छपना चाहिए बगैर सबूत के? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उन लोगों ने करण को जान से मार डालने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब के बार तुमने हमारे शहर की एक मौजूद हस्ती दीवान सरदारी लाल को भी लपेट लिया है। इसलिए कि इस वारदात में दीवान सरदारी लाल का हाथ है। हवा में तीर मत चलाओ आशा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत 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 क्या हो गया है आपको? आप ही ने तो हमें सिखाया है कि हमेशा सच के लिए लड़ना चाहिए। सच वो जिसका कोई सबूत हो। लेकिन मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुमने ऑफिस का डिसिप्लिन तोड़ा है,
आज से हमारे अखबार को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी तनख्वाह ले सकती हो। टाइम्स का ऑफिस यही है ना? जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर है। सुनिए, हम एक आदमी की तलाश में आए हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हाँ बेटी, हम बम्बई से आए हैं, इस अखबार में उसके बारे में कुछ खबरें छपती हैं। किसके बारे में? करण मेहरा के। आप बम्बई से आई हैं? आप उनकी? ये उनकी माता जी हैं। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं हर रोज आपके बारे में उनसे सुनती हूँ। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। बेटा वापस बम्बई चलो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? आशा बेटी, ये तो मेरी एक नहीं सुनता, मैं तो उसे समझाते समझाते हार गई हूँ, अब तुम ही इसे घर जाने के लिए कहो। माता जी, इन्होंने पिताजी को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत मुसीबतें उठाई, और अभी साल में पिताजी को जेल में छोड़कर चला जाना, कैसे जाएंगे? लेकिन आशा बेटी, अब तो शंकरलाल की रिहाई की कोई उम्मीद नहीं रही, अब इनका यहाँ रहना पागलपन नहीं तो और क्या है? माँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे कारण बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब कुछ ऐसा पागलपन ही उसका सब कुछ होकर रह जाता है, और अब पिताजी को छुड़ाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है, जब तक वो रिहा नहीं हो जाते मेरा शहर से जाना नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ जज्बात से तुम अपने बाप को आजाद नहीं करा सकते, उनके मुकदमे को फिर से खुलवाने के लिए कानून तुमसे वजह पूछेगा, सबूत मांगेगा, ये सब तुम कहां से पैदा करोगे? सबूत मेरे पास। तुम्हें सबूत चाहिए ना, वो ही देने के लिए आई हूं। ये लो, ये हैं वो खत जिन्हें अदालत में पेश करके तुम असली मुजरिमों को गिरफ्तार करा सकते हो, और उसके बाद अदालत खुद तुम्हारे पिताजी को रिहा कर देगी। लेकिन वो खत जो उस रोज आपने मुझे दिए थे, वो क्या थे? वो नकली थे, ये असली हैं। मैं जानती थी तुम इन्हें संभाल नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत चालाक है, और अब तुम सब कुछ जानते हो, कौन क्या है, कौन कौन है। किशोरी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया। बस आपके पिता आजाद हो जाए, मुझे सब कुछ मिल गया। तो हमें मिल गए हैं, मगर छपवाएंगे कैसे? मेरी नौकरी ही चली गई। हाँ, अगर मैं ये खत लेकर एडिटर साहब के पास चली भी जाऊं तो वो सबूत मांगेंगे, कि सबूत क्या है कि ये लिखाई दीवान सरदारी लाल के ही हाथ की है। हाँ, अगर हम दीवान सरदारी लाल के दस्तखत और उनकी लिखाई इस लिखाई से मिला लें तो तब तो हम छपवा सकते हैं, मगर ये तुम करोगे कैसे? ओ छुपने वाले, अब तेरी
चिलमन की खैर हो, दीवाने आ गए तेरे दामन की खैर हो। हाय दिल वाले हुए, दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुंचे हो दिल वाले। ओ दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले। तारा बने हुए नहीं, जिनके के बने जो है सबसे बेबने, वही तेरे दीवाने हो, वही दिल वाले है। दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले, दिल वाले ओ दिल वाले। फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए, शहरों शहरों फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए, वो जो शामों सहर तेरा दर्दे जिगर लिए फिरते थे दर दर। हाँ वही दिल वाले, दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले, दिल वाले ओ दिल वाले। हाथ लिए हाथों में एक हाथ लिए, राह में गुल खिलाते झूमते गुनगुनाते तेरी नजरों के माते हो, वही दिल वाले है। दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले, दिल वाले दिल वाले। तुझको पाही गए तेरे दर तक आही गए, आखिर तुझको पाही गए। जिनके घायल है दिल, जिनका तू है कातिल, जिनसे बचना है मुश्किल। हाँ वही दिल वाले, दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुँचे ओ दिल वाले, अब तेरी गली तक आ पहुंचे ओ दिल वाले, दिल वाले ओ दिल वाले।
वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। ये लो इनाम। अरे आगे बढ़ के ले इनाम, दीवान साहब से शर्मास्ती का है कोई। क्या नाम है तुम्हारा? हजूर इसे गुलबदन कहते हैं। और तुम्हारा? हजूर हजूर इसे कांटा कहते हैं। जी हजूर। लो तुम भी इनाम लो। अरे ले 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 ले। हजूर हजूर मुझे तो सर्टिफिकेट मिल जाए तो बड़ी इनायत हो। सर्टिफिकेट? हाँ हजूर। हजूर आपके थिएटर में गाने बजाने का छोटा मोटा काम मिल जाए तो खाकसार अपने आप को खुशनसीब समझेगा। हजूर मुझे भी। हाँ 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 जरूर मिलेगा। ये इनाम तो लो। ले 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 लो ले लो। सलाम हजूर। रुक जाओ है। ये आपने क्या किया हजूर? ये करण है, करण। जल्दी से यहां से भाग निकलो और एडिटर साहब को ये बचा दो। मेरी फिक्र ना करो। याकूब शंकर पकड़ लो इसे। याकूब शंकर छह छह आदमी एक आदमी को नहीं हटा सकते। झुम्बन अहमद इसे छोड़ दो, लड़की का पीछा करो। थक गए? रास्ते से हटा दो, उस लड़की का पीछा करो। हट जाओ, हट जाओ रास्ते से, जाओ। अच्छा तुम ये क्या शक्ल बना रखी है तुमने? आपने कहा था ना करण की कहानी बगैर सबूत के नहीं चल सकती। ये रहे सबूत। ये एक खत आज से 15 साल पहले का है जो दीवान सरदारी लाल ने लिखा था, और ये दीवान साहब की आज की लिखाई है। असली खूनी दीवान सरदारी लाल ही निकला। अब आप क्या सोच रहे हैं? ये तो सब ठीक है आशा, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? जानती नहीं हो अभी तुम्हें कितना काम करना है? ये मेरे कल के अखबार की सुर्खी है, ये मेरी हेडलाइंस है।
सरकारी वकील अपने गवाह पेश करें। मिलोर्ड, मैं सिर्फ एक गवाह पेश करना चाहता हूँ, करण मेहरा। गवाह तलब किए जाए। करण मेहरा को बुलाओ। करण मेहरा, करण मेहरा, करण मेहरा। मेरे साथ कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। आपका नाम? मेरा नाम करण मेहरा है और मैं उस बदनसीब बाप का बेटा हूं जो पिछले 15 बरस से उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया है। माय लॉर्ड, वो बैठे हैं शहर के रईस, गरीबों के हमदर्द दीवान सरदारी लाल, जिन्हें मैं आज इस भरी अदालत में माला का कातिल ठहराता हूं, और वो हैं दीवान सरदारी लाल को सजा से बचाने वाले, कानून के मुहाफिज, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले राय बहादुर जसवंत राय, जिन्होंने जाने किस लालच में अपनी दलीलों और लफ्जों के शोर में एक बेगुनाह की चीखों पुकार को डुबो दिया और असली मुजरिम को कानून के हाथों से बस निकलने में मदद की। राय बहादुर जसवंत राय का जुर्म ज्यादा संगीन है क्योंकि कानून के मुहाफिज होते हुए भी उन्होंने कानून से गद्दारी किया, इंसाफ का खून किया है। और आज मैं पूछता हूं कि क्या अपनी सफाई में उनके पास किसी कानून का हवाला है? माय लॉर्ड, इन मुजरिमों ने औलाद से बाप का प्यार छीना है, एक औरत का सुहाग उजाड़ा है, बाप की मोहब्बत को तड़पाया है। मैं जानता हूं कानून इन मुजरिमों को सजा देगा, लेकिन मैं इस अदालत से पूछता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है जो मेरे पिताजी की जिंदगी के वो बेहतरीन बरस लौटा सके जो उन्होंने अपने घर के सुख से दूर और अपनी औलाद से बिछड़ के काटे हैं? मेरी समझ में तो बस इतना ही आता है माय लॉर्ड, कि कानून एक बेगुनाह की जिंदगी के 15 बरस ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं माय लॉर्ड। इंसाफ इन्हें जरूर मिलना चाहिए माय लॉर्ड। मैं अदालत का वक्त जाया करना नहीं चाहता। अपना गुनाह मैं तस्लीम करता हूं और अपना यह तहरीरी बयान अदालत के सामने पेश करता हूं। मैं अपने आप को अदालत के हवाले करता हूं और कानून की हर सजा मुझे कबूल होगी।